एक आम का पेड़ और एक बांस का पेड़। एक सख्त होता है, दूसरा बड़ा लचीला होता है। अगर बहुत तेज आंधी तूफान आता है तो यह आम का पेड़ टूट जाता है, लेकिन बांस ये लचीला होता है तो ये बेंड हो जाता है, ये मुड़ जाता है, फिर तूफान हटते ही ये फिर से खड़ा हो जाता है। कुछ ऐसा ही डिफरेंस है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और ज़ीनर डायोड में। मुझे पता है कि ये एग्जैक्ट एनालॉजी नहीं है। एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, कुछ इस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ज़ीनर डायोड दोनों सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। पहले तो पीएन जंक्शन डायोड आप ड्रॉ कर ले, फिर यहां पर एक जेड जैसा सिंबल बना दे। तो ये ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, और इसी का एक स्पेशल रूप है जिसे कि कहा जाता है ज़ीनर डायोड। इसमें स्पेशलिटी यही है कि रिवर्स बायस में अगर दोनों को लगाया जाए, यहां मान ले वोल्टेज बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इस साइड में नेगेटिव टर्मिनल, तो ऑब्वियसली ये रिवर्स बायस में होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली जो है पी साइड इधर है और एन साइड इधर है, पी इधर है एन इधर है। सो दोनों को रिवर्स बायस में अगर कनेक्ट किया जाता है तो एक सर्टन वोल्टेज के बाद, वो डिपेंड करेगा अलग अलग डिवाइसेस के लिए, एक सर्टन वोल्टेज के बाद जिसे कि इसके लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है, एक सर्टन वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि होता यह है कि बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है ये, और ये जल जाता है जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है। यहां पर आप ह्यूज करंट को इलेक्ट्रॉन्स का आंधी तूफान मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का आंधी तूफान आने से ये जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है ये खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन ज़ीनर डायोड में ऐसा नहीं होता है, ये उस बांस के पेड़ जैसा है। ज़ीनर डायोड में भी जब रिवर्स बायस वोल्टेज को काफी बढ़ाया जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, लेकिन इस केस में हीट जनरेट होता है और इस केस में ये हीट जनरेट करके ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। यही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच। और इसका जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है, इस बिहेवियर को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था क्लारेंस मेलविन ज़ीनर ने, उन्हीं के नाम से इसे कहा जाता है ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये होगा कि अगर इसे आप रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो इस ज़ीनर डायोड के थ्रू रिवर्स बायस में कितना भी करंट फ्लो कर ले, इसके दो टर्मिनल्स एक और दो टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये एक सर्टेन लेवल को एक्सीड नहीं करेगा। और यही जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम ज़ीनर डायोड से तरह तरह की चीजें बना सकते हैं, इसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो उसमें तो हम आगे बात करेंगे कि इसे कैसे वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाए। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ज़ीनर डायोड का ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आता कहां से है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, और क्या होता है ज़ीनर डायोड के अंदर एग्जैक्टली, और इसके साथ एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का डिफरेंस कहां पर है। ओके, सो ज़ीनर डायोड ये एक स्पेशल तरह का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड। इसका स्पेशलिटी क्या है कि ये जो है, इसका जो स्पेशलिटी है ये यही है कि ये हेवीली डोप्ड होता है। सो ज़ीनर डायोड हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। सो जब इसका डोपिंग लेवल, डोपिंग कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है, उसी के कारण इसमें जो डिजायर्ड रिजल्ट, जिस पे कि हमने बात किया थोड़ी देर पहले, वो डिजायर्ड रिजल्ट दिखता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वो जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो तभी हम अचीव कर सकते हैं जब ये ज़ीनर डायोड रिवर्स बायस में हो।
अब चलिए आगे देखते हैं कि डोपिंग लेवल को बढ़ाने से पीएन जंक्शन डायोड में क्या चेंज होता है कि उसमें इस तरह का बिहेवियर दिखता है, वो ज़ेनर डायोड बन जाता है। कैसे? चलिए, तो इस तरफ हम ड्रॉ कर रहे हैं एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। सो ये एक नॉर्मल डायोड है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। सो एक तरफ पी साइड है, दूसरी तरफ एन साइड है। सो ये जो है ये पी साइड है और ये जो है ये एन साइड है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। सो इस साइड में हम ज़ेनर डायोड बनाएंगे। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि डोपिंग लेवल ज़ेनर डायोड में काफी ज्यादा होगा। तो चलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से अब आगे यहां कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए पहले तो होल्स बना लेते हैं। ये नॉर्मल डायोड है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, जिसका कि डोपिंग कंसंट्रेशन काफी कम है, रिलेटिवली कम है। यहां पर होल्स तो हमने बना लिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे। वहीं पर अगर आप ज़ेनर डायोड को देखें तो ज़ेनर डायोड में जो डोपिंग कंसंट्रेशन है ये काफी ज्यादा है। सिचुएशन बहुत हद तक मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने का, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो डोपिंग कंसंट्रेशन है ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन है। उसी तरह से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। ये सारे जो हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ही ये डायोड फॉर्म करता है वैसे ही होता क्या है, वैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है एन साइड से पी साइड में डिफ्यूज कर जाता है और बीच के रीजन में जो है ये चार्ज कैरियर्स वहां से गायब हो जाता है। तो अब यहां से जैसे ये पीएन जंक्शन डायोड बनेगा, यहां से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहां पर आ जाएगा, होल्स को भर देगा ये, और होल्स को भरते साथ ये जो है डिप्लीशन रीजन जो है ये यहां से गायब हो जाएगा, जो फ्री चार्ज कैरियर्स है वो गायब हो जाएगा और यहां पर डिप्लीशन रीजन बनेगा। यहां पर अब बना डिप्लीशन रीजन, ऐसा डिप्लीशन रीजन। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से उठ के इधर आया है तो ऑब्वियसली यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस जगह पे और इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसे कि हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। इन सब चीजों पे हमने लास्ट वीडियो पे बात किया था पीएन जंक्शन डायोड के पार्ट टू में, जहां पर हमने रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग पे बात किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस केस में देखें तो क्या होगा, यहां भी वही होगा, यहां भी जो है ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये उठ के एन साइड से पी साइड में आ जाएगा और पी साइड में आके ये क्या करेगा, पी साइड में आके होल्स को भर देगा। इससे होगा क्या, डिप्लीशन रीजन क्रिएट होगा। यहां से ये जो है होल्स जो है ये गायब हो जाएगा, यहां भी डिप्लीशन रीजन बनेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है कि हेविली डोप्ड होने के कारण इसका जो डिप्लीशन रीजन है ये डिप्लीशन रीजन पतला होता है, ये डिप्लीशन रीजन पतला होता है। हमने इसे पहले बात किया था कि अगर सिलिकन वेफर होगा, सिलिकन सेमीकंडक्टर हुआ, सिलिकन पीएन जंक्शन डायोड होगा, तो उस केस में ये जो बैरियर पोटेंशियल है, ये बैरियर पोटेंशियल सिलिकन के केस में ये नियरली 0.7 वोल्ट का होता है। अगर आप ज़ेनर डायोड को देखें तो इसमें अगर डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो बहुत कम जगह से ही बहुत बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पी साइड में आ जाएंगे। वो पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, एक छोटा सा जगह से ही वो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। लेकिन यहां पर कंसंट्रेशन लेवल कम है तो ज्यादा जगह चाहिए होगा, ज्यादा विड्थ चाहिए होगा या ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा, वहां से उतना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के यहां पी साइड में पहुंचेगा, तब जाके इतना पोटेंशियल बैरियर बनेगा। अब क्या करते हैं हम, अब यहां से हम जैसे कि बात किए कि ज़ेनर डायोड का जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमें रिवर्स बायस में ही मिलेगा। इसीलिए हम नॉर्मल डायोड को और ज़ेनर डायोड को दोनों को हम रिवर्स बायस में जोड़ेंगे,
लास्ट वीडियो में हमने इस पे बात किया था रिवर्स बायसिंग क्या है. सो रिवर्स बायसिंग मतलब पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाए. वही हम यहां भी करेंगे. सो यहां भी हम उसे जोड़ देते हैं. सेम बैटरी दोनों में डिफरेंस क्या होगा हमें वही देखना है. सो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है. मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड है जो वोल्टेज है उसे हम चेंज कर सकते हैं मान ले. अब ऐसा करने से क्या होता है. ऐसा करने से हमने बात किया था कि डिप्लीशन रीजन जो है डिप्लीशन रीजन चौड़ा हो जाता है. तो चलिए इसे चौड़ा बनाते हैं डिप्लीशन रीजन को. सो यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और उठ के चले गए होल्स को भर देते हैं. सो यहां से डिप्लीशन रीजन जो है ये चौड़ा हो गया. सो डिप्लीशन रीजन काफी चौड़ा हो गया रिवर्स बायस में और जो है बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ गया. सो डिप्लीशन रीजन चौड़ा हुआ बैरियर पोटेंशियल बढ़ा. लेकिन अगर आप अब इसके साथ कंपेयर करें तो क्या डिप्लीशन रीजन उतना चौड़ा होगा जितना कि नॉर्मल डायोड के केस में हुआ. ज़ीनर डायोड के केस में उतना चौड़ा होगा. सेम वोल्टेज हमने अप्लाई किया लेकिन चूंकि कंसेंट्रेशन लेवल इसका काफी ज्यादा है इसीलिए उतना ही बैरियर पोटेंशियल या फिर दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस डिप्लीशन रीजन के दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए कम विड्थ से ही काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और उतना पोटेंशियल डिफरेंस बना देगा. सो अब जो है ये थिकन तो करेगा चौड़ा तो होगा डिप्लीशन रीजन लेकिन नॉर्मल के केस में जितना चौड़ा होगा नॉर्मल डायोड के केस में ज़ीनर डायोड के केस में उतना चौड़ा नहीं होगा. सो अब सिचुएशन कुछ ऐसा बना चौड़ा तो हुआ लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ. मतलब क्या बना कि दोनों ही केस में आप ये पाएंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों साइड का ये पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है. यहां पर ये पॉजिटिव साइड माफ कीजिएगा ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड ये नेगेटिव साइड ये पॉजिटिव साइड पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी जितना यहां भी उतना. सो VD डिप्लीशन रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों में सेम है लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस काफी ज्यादा है. यहां पर ये डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में ज्यादा बनेगा. ऑब्वियसली यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड काफी बड़ा होगा क्योंकि हमें पता है कि V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू बहुत ज्यादा टेक्निकली कहें तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl. अगर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स के बीच दो पॉइंट्स एक और दो पॉइंट्स के बीच अगर डिस्टेंस d होता है तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू E इंटू डी. कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम उसे ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं. सो दैट मीन यहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली सेम पोटेंशियल डिफरेंस है यहां भी जितना यहां भी उतना. सो डिस्टेंस जिसमें ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा. सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड काफी कम बनता है किस केस में नॉर्मल के केस में. लेकिन इस केस में क्या होगा ज़ीनर डायोड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई. सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है चलिए मैं यहां लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ई अगर है इसका मैग्नीट्यूड और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये ई सब जेड अगर है तो हम कह सकते हैं कि ई सब जेड जो है ज़ीनर डायोड के अंदर यहां पर डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये मच लार्जर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉर्मल डायोड. इससे क्या हुआ देखें रिवर्स बायस में हमने ये देखा था कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कुछ के पास काफी काइनेटिक एनर्जी होता है जब वोल्टेज को बैटरी के वोल्टेज को काफी बढ़ा दिया जाता है. लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था. तो ये जो है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऐसे मूव करता है मूव करके यहां अंदर आता है. इसके पास अगर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो तो ये क्या करेगा
अंदर जो सिलिकन सिलिकन बॉन्ड हो या फिर सिलिकन और डोपेंट का जो बॉन्ड हो वहां से इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करेगा, नॉक करके बाहर निकाल देगा। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल्स में बात किया था इस पे, चलिए एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। सो यहां पर मान ले एक सिलिकन एटम अपने चार नेबरिंग सिलिकन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, चलिए बॉन्ड बना रहा, कोवेलेंट बॉन्ड। सो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन एंटर किया उसके पास तो काफी काइनेटिक एनर्जी होगा, इसीलिए वो एंटर किया, और साथ ही साथ चूंकि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इसके कारण ये बहुत तेजी से मूव करता है और मूव करते हुए एक इलेक्ट्रॉन को यहां से हिट करके बाहर निकाल देता है। सो ये भी फ्री रहता है, एक को और फ्री कर देता है, फिर वो दो फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके पास काफी एनर्जी रहता है, वो फिर दो दो फ्री इलेक्ट्रॉन बना देता है। मतलब ये बनता है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन दो फ्री इलेक्ट्रॉन बनाएगा, दो चार बनाएगा, चार आठ बनाएगा, इस तरह से बहुत बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। ये तो पहली बात, क्योंकि ये कलिजन के कारण बनता है, यहां पर कलिजन हो रहा है, उसके कारण इस केस में जो है हीट जनरेट करता है। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का प्रॉपर्टी पूरी तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, यहां पर काम करता है क्वांटम मैकेनिक्स। फिर भी चीजों का एक बेसिक आइडिया लेने के लिए इस स्टेज में हम क्वांटम मैकेनिक्स पे बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम कोशिश करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से जितना हो सके समझने का। तो चलिए वापस आते हैं कि यहां पर हीट जनरेट होता है कलिजन के कारण। सो इस केस में हीट जनरेट होता है और इस हीट के कारण जो है ये पीएन जंक्शन डायोड जल जाता है, जब ये बैटरी का वोल्टेज काफी ज्यादा होता है तब। इसका हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो है, वी आई ग्राफ जो है वो भी हमने ड्रॉ किया था, चलिए एक बार फिर ड्रॉ कर लेते हैं। सो हम बात कर रहे हैं रिवर्स बायस की। सो रिवर्स बायस में हमने ये देखा था, थोड़ा ऊपर इसे ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये अगर वोल्टेज का एक्सिस है और ये अगर करंट का एक्सिस है वोल्टेज, तो हमने ये देखा था कि वोल्टेज बढ़ाते जाए रिवर्स बायस में, सो करंट बहुत 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 कम फ्लो करता है, लेकिन एक सर्टन लेवल के बाद जब ऐसा इफेक्ट शुरू हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन आया उसके पास काफी एनर्जी है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर देगा, इसे एवलांच इफेक्ट कहते हैं। जब एवलांच इफेक्ट होता है सो इसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं। उस समय के बाद बहुत बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बन जाते हैं और उसके कारण जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगता है, इसे हम एवलांच इफेक्ट कहते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। और यहां पर इस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है, वी सब बी ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जब रीच करता है और भी अगर बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा और ज्यादा करंट क्रिएट होगा, यहां पर ये जो वोल्टेज होगा इसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे। सो और ज्यादा करंट यहां पर जनरेट होगा, उसके कारण कलिजन के कारण ये जो है ये जल सकता है, हीट जनरेट करके ये जल सकता है। लेकिन ज़ीनर डायोड के केस में ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है, ये जलता नहीं है, हीट जनरेट नहीं करता है। अगर ये ब्रेकडाउन वोल्टेज रीच कर भी जाता है तो भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, चलिए देख लेते हैं। अब इस केस में देखिए, अगर यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन, सो ये जब यहां से मूव करके हाई पोटेंशियल के कारण, हाई वोल्टेज के कारण बैटरी के, ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन को। सो ये अगर यहां एंटर कर भी जाता है तो भी चूंकि डिप्लीशन रीजन जो है बहुत पतला होता है, इसीलिए सिलिकन एटम के साथ, सिलिकन एटम के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करने का पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी इसका कम होता है। इसके कारण जो है ये कलिजन वाला जो हीट है वो हीट जनरेट नहीं करता है। लेकिन ऐसा होगा तो फिर ह्यूज करंट तो क्रिएट नहीं होगा। ह्यूज करंट क्रिएट होने के लिए क्या चाहिए, ह्यूज करंट क्रिएट होने के लिए चाहिए कि यहां बॉन्ड में जो सिलिकन सिलिकन बॉन्ड है उस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जो है
अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए और वो सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करें। यहां पर कलिजन के कारण तो वैसा नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वैसा हो जाता है। क्या होता है यहां पर देखें, यहां जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने वैलेंस शेल में होंगे। सो जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड में, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा होता है, हमने बात किया था ना ज़ीनर डायोड में इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा होगा क्योंकि ये थिकनेस जो है इसका कम होता है डिप्लीशन रीजन का। वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सो बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा और वही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करेंगे। कलिजन नहीं हो रहा है यहां पर, दैट मीन अगर कलिजन नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत सारे बाहर निकल रहे, इसका मतलब यह है हीट जनरेट नहीं होगा। जब हीट जनरेट नहीं होगा तो इसका जलने का चांसेस ना के बराबर है। तो अगर नॉर्मल डायोड की तरह इसका भी हम ग्राफ बनाते हैं, वोल्टेज करंट ग्राफ, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये जो जगह है ये इस ज़ीनर डायोड के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसे ज़ीनर वोल्टेज भी कहा जाता है। आप ये पाएंगे वोल्टेज बढ़ा दे, थोड़ा सा भी अगर बढ़ेगा तो करंट ह्यूज अमाउंट में बढ़ेगा, बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा। मतलब क्या, अगर उल्टे तरफ से आप देखें कि करंट अगर बहुत बहुत ज्यादा बढ़े, मतलब इस इतना करंट फ्लो कर रहा था, इतना करंट, इसके लिए वोल्टेज कितना था, इतना था। अब करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, बढ़ के इतना हो गया, वोल्टेज में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। देखें वोल्टेज लगभग उतना ही है। अरे इस वीडियो की शुरुआत में तो हमने यही बात किया था कि ये जो ज़ीनर डायोड है ये एक स्पेशल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि जब रिवर्स बायस में ह्यूज करंट जब फ्लो करे तो इसकी दो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस ये चेंज नहीं करता है। चेंज अगर करता भी है ये बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल चेंज होता है। सो इस तरह से इस स्पेशल प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हैं। इस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।